हैदराबाद में जो हमारा भाई बंधु है, जो हिंदी प्रांत के लोग हैं, मैं आप तमाम लोगों को अपील करता हूं, हैदराबाद एक अमन पसंद शहर है, शांतिपूर्वक शहर है। इस शहर में आप सब लोग कहीं अरसा से, बड़ी लंबा अरसा से आपके जीवन बिता रहे हैं। आप खुद गवाह है, जब हमारे बिहार के भाई, उत्तर प्रदेश के भाई, झारखंड के भाई, वेस्ट बंगाल के भाई, कई अन्य राज्यों के कारीगर हमारे पास काम कर रहे थे, जब कोरोना का दौर आया, केंद्र सरकार आपके खून चूस रहा था, रेल टिकट आपसे मांग रहा था, हमने कदम उठाया, 200 ट्रेन हमारे सरकार की तरफ से खर्च करके, आपको खाने का इंतजाम करके, हमारे राज्य के लोगों के साथ आपको भी राशन दे के, पैसा दे के, आपको पेट में रख के हमने पाल लिए, और आपके गांव तक, आपके राज्य तक पहुंचे तक आपको खाना बंदोबस्त करके फ्री ट्रेन में हमने 200 ऐसे ट्रेन में बंगाल को, उत्तर प्रदेश को, जहां से योगी आदित्यनाथ आया उस राज्य में भी हमने भिजा दिया। ये आप जानते हैं, हैदराबाद में शांतिपूर्वक वातावरण है, इसको बनाए रखना, इसको बरकरार रखना हम सभी का फर्ज है। यहां कारोबार चलना, यहां जमीन की कीमत बढ़ना, प्रॉपर्टी का कीमत बढ़ना, हम सब लोग फायदा उठाना, हम सब लोग सुकून से रहना, बोलते शांति बनाए रखना चाहिए। चिल्लर पल्लर बातों में जाके हम फंस गए तो यहां सारा चीज खराब हो जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा। शांति में ही बिजनेस चलता है, एक बार अशांति आ गया तो बिजनेस ठप हो जाएगा, रियल एस्टेट गिर जाएगा, प्रॉपर्टी का वैल्यू चले जाएगा। इसीलिए मैं आपको विनम्र पूर्वक विज्ञापन करता हूं, हैदराबाद को बचा लीजिए, इसमें आप भी बचे रहिए, हम सभी मिलकर इसको एक अच्छा जबरदस्त शहर बनाएंगे, इसमें हमारा जिंदगी बनाएंगे।